एवरीवन, सो कंपनी है मदरसन इंटरनेशनल, मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 20 अगस्त। सो इस कंपनी में हाल ही में एक दो महीने पहले ही कैंडल्स ने ब्रेकआउट दिया है अपने एक कप का। अब ये पैटर्न और कप पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि इसका पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है। अब इस वीडियो में अपन देखने वाले ये हैं कि ये पैटर्न स्ट्रांग क्यों है बाकी कप के, ठीक है। तो फिलहाल इसमें हम देखेंगे कप का ब्रेकआउट हुआ कहाँ पे था। तो कप का ब्रेकआउट हुआ है कुछ इस रेंज में, तकरीबन 130 रुपये के आसपास की रेंज में, ठीक है। तो पहला हाई बना था कुछ यहाँ पे 2017-18 के आसपास। कैंडल्स ने ब्रेक करने का ट्राई किया यहाँ पे 2021 से 22 के बीच में, कैंडल्स ने ब्रेक किया बट क्लोज ऊपर नहीं कर पाए रेजिस्टेंस पॉइंट के, प्राइस फिर से नीचे मूवमेंट कर गई, ठीक है। फिर से कैंडल्स ने ट्राई किया 2024 में यहाँ पे, और इस बार प्राइस ऊपर मूव कर गई और ब्रेकआउट देने के जस्ट बाद ही कैंडल ने 25-30% के आसपास की गेन कैंडल्स ने काफ़ी इजीली कर भी ली है। सो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले कैंडल्स ने हाई यहाँ बनाया और फिर यहाँ ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर कैंडल्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यानी कि पोटेंशियल था। एक बार सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए थे बट कैंडल्स ने बायर्स यहाँ पे फिर से आए और यहाँ प्राइस के ऊपर मूवमेंट कर दी, ठीक है। तो अब इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेरिजन विद उन पैटर्न्स के जो एक बार में ब्रेकआउट कर देते हैं, वो भी पैटर्न पोटेंशियल है, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा मान सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट देने के जस्ट बाद ही कैंडल्स काफ़ी अच्छे मूवमेंट में ऊपर मूवमेंट कर गई हैं, पर करीब 25-30% की गेनिंग ईजिली अपने को यहाँ पे देखने को मिल गई वॉल्यूम्स के साथ में। बट अभी चल क्या है देखते हैं कैंडल्स में क्या है कि अभी लगातार लास्ट एक दो महीने से कैंडल्स एक ही पॉइंट पे मूवमेंट कर रही है, कोई ज़्यादा तेजी इसमें अपने को नहीं मिली देखने के लिए। सो हो सकता है कि यहाँ पे अपने लिए कोई और नई अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही हो, नए पैटर्न्स बन रहे हो ऊपर के टॉप के रेंज में। तो इस वीडियो में अपन वही देखने वाले हैं कि जो कैंडल्स कंसोलिडेट कर रहे हैं ऊपर के पैटर्न से, तो वहाँ पे कोई ब्रेकआउट बन रहे हैं अपने लिए या फिर नहीं, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है या फिर नहीं। सो मैं चार्ट को कन्वर्ट करूँगा डेली चार्ट के अंदर ताकि चीज़ों को देख पाएँ। यहाँ पे कैंडल एक कैंडल एक दिन की रहेगी, तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि कैंडल्स एक तरीके से फ्लैग फॉर्मेशन बना रहे हैं कुछ इस रेंज में, यहाँ से कुछ ये। अब क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली और है कि इस पॉइंट पे थोड़े से वॉल्यूम्स इंक्रीज थे। यहाँ पे मैंने जो बार बनाया है, बॉक्स बनाया है, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम्स थोड़े से इंक्रीज हैं। अगर इन केस नेक्स्ट ब्रेकआउट पे, यानी कि जो ब्रेकआउट इस रेजिस्टेंस का होगा, स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट जब भी होगा, अगर इस ब्रेकआउट पे अपने को वॉल्यूम्स अच्छे मिल जाते हैं, तो हम इस वॉल्यूम्स को कंसिडर करेंगे एज आ कि यहाँ पे बाइंग की गई है सेलिंग के बजाय। अगर यहाँ वॉल्यूम्स अच्छे मिल जाते हैं और कैंडल्स अच्छी मिल जाती है ब्रेकआउट पॉइंट पर, तो ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा हुआ जैसा हम बोल रहे हैं, ऐसा कि हम वॉल्यूम्स अच्छी कैंडल की अपेक्षा रख रहे हैं कि बन जाते हैं दोनों चीज़ें यहाँ पे, तो इसका टारगेट रहेगा कुछ इस पॉइंट का, हो सकता है यहाँ तक का, यानी कि 209 रुपये के आसपास का। सो वेट करेंगे और देखेंगे कि कैंडल्स अपने इस प्राइस एक्शन पे, यानी कि इस रेंज पे कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर वॉल्यूम्स और कैंडल्स दोनों के साथ अच्छे बनते हैं, तो हो सकता है कैंडल्स यहाँ पे और स्पीड से ऊपर मूवमेंट करते हुए निकल जाए और फिर अपने इस लेवल को कैंडल्स अचीव कर ले। सो हम वेट करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में कैंडल्स किस टाइप की मूवमेंट देने वाली है और कैसे कैसे प्राइस के अंदर मूव करेगी। सो दिस फॉर एजुकेशन पर्पज ऑनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।